हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें मरते समय रावण ने लक्ष्मण को कौन सी ऐसी अमूल्य बातें बताई थी जिससे मनुष्य का भी जीवन सुधर सकता है। आइए कथा श्रवण करें। रावण, रामायण के पात्र रावण को तो सभी जानते ही हैं। रावण लंका का राजा था तथा अपने 10 सिर होने के लिए दशानन के नाम से भी जाना जाता था। रावण ऋषि पुलत्स का पौत्र था तथा विश्रवा ऋषि का बेटा था। ये लोग तो ब्राह्मण थे, परंतु रावण की माँ कैकसी राक्षस कुल की थी। इसी कारण रावण भी राक्षस कुल का कहलाया। रावण सारस्वत कुल का ब्राह्मण होने के साथ साथ परम शिव भक्त, परम राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी योद्धा, सत्यनन बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी था। उसने सोने की लंका बनवाई थी जो स्वर्ण नगरी कहलाई। लक्ष्मण लक्ष्मण अयोध्या के राजा दशरथ के सपुत्र व श्री राम के अनुज थे। जब रावण मृत्युशैया पर था, तब श्री राम ने अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था। रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें ज्ञान की बताई थीं। यह वह समय था जब रावण भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था। तब श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और कहा, जाओ रावण के पास जाओ और उससे सफल जीवन के अनमोल मंत्र ले लो। यह बात सुनकर पहले तो अनुज लक्ष्मण को श्री राम के बात पर कुछ संदेह सा हुआ। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एक दुश्मन से सफलता का क्या पाठ मिलेगा। लेकिन ज्येष्ठ भ्राता के आदेश को लक्ष्मण नकार नहीं सकते थे और आखिरकार वे रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण काफ़ी कठिन हालत में सांस ले रहा था और सिर के पास खड़े लक्ष्मण उसे काफ़ी देर से और ध्यान से देख रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वह कुछ बोले। लेकिन रावण ने अपने मुख से एक शब्द न कहा और निराश होकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम के पास लौट गए और कहा कि रावण तो कुछ कह ही नहीं रहा। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो कभी भी उसके सिर के पास खड़े नहीं होना चाहिए। जाओ रावण के चरणों के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, वे तुम्हें सफलता की कुंजी अवश्य प्रदान करेंगे। श्री राम के यह वचन सुनकर लक्ष्मण को अचंभा हुआ, लेकिन आज्ञा अनुसार उसने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु राम चाहते थे। वह राक्षस राजा रावण के चरणों के समीप गए, हाथ जोड़े और आग्रह किया कि रावण उसे सफल जीवन के मंत्र प्रदान करें। उस समय रावण ने अपने मुख से कुछ वचन बोले और उन्हें सफल जीवन की 3 मूल्य बातें बताईं। पहली बात तो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर डालो और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए। यानी शुभस्य शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण को बताया, मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई है। दूसरी बात, इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी बात बताई वह और भी हैरान कर देने वाली थी। उसने कहा, अपने प्रतिद्वंद्वी अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, वह आपसे भी अधिक बलशाली और बलवान हो सकता है। मैंने श्री राम को तुच्छ मनुष्य समझा और सोचा कि उन्हें मारना और हराना काफ़ी आसान होगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने आगे कहा, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था।
यही मेरी गलती थी। तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैंने चूक कर दी, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। अगर उसे मैं यह बात ना बताता तो शायद आज मेरी यह हालत ना होती। जय श्री राम भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।